आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसा भार वन जो W लेटर से एंड हो उसका V2 और V3 आसानी से कैसे बनाते हैं। ऐसा भार वन जिसका अंतिम लेटर यानी लास्ट लेटर W हो उसका V2 और V3 कैसे बनाते हैं आसानी से, इस वीडियो में देखेंगे वो कौन कौन से वर्ड है जिसका अंतिम वर्ड W होता है और उसका V2 और V3 आसानी से कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे उस वीडियो का अंत तक देखिए। इस वीडियो को यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है ब्लो। ब्लो मीन्स क्या होता है? बहना। ब्लो मीन्स होता है बहना। तो इसका V2 और V3 कैसे बनाएंगे, तो एक समझना जरूरी है, उसके बाद सारे बन जाएंगे, बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखिए ब्लो, तो V2 कैसे बनाएंगे, इसका V2 बनाएंगे जैसे BLEW लिखेंगे। BLEW क्यों लिखेंगे, जिसका है इसका ट्रिक है, इसको समझने का तरीका है कि जहां भी हमको W दिख जाएगा, ये 6 लेटर में W दिख जाएगा, तो क्या करेंगे, W से पहले E लगा देंगे। W से पहले वाला जो लेटर होगा, जैसे यहाँ पे O है ना, तो W से पहले वाला जो लेटर होगा उसको हटाकर E लगा देंगे V2 में। अब V3 में क्या करेंगे, V3 में सेम V1 लिख देंगे और लास्ट में N जोड़ देंगे। ब्लो लिखेंगे और लास्ट में एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ब्लॉन। इस तरह से बनाएंगे, जहां भी लास्ट में W दिख जाए, जो अभी मैं बता रहा हूँ वीडियो का अंदर देखिए, तो W दिख जाएगा उससे पहले क्या लगा देंगे, V2 में ई लगा देंगे और V3 में ब्लो लिख देंगे पूरा लेटर और लास्ट में ई लगा देंगे। अगर इसको आप सोचना चाहते हैं तो सोच भी सकते हैं, जैसे ब्लो, ब्लो का इसमें क्या होता है, चारी लेटर का BLOW। तो जैसे हम लोग W दिखेगा तो क्या, W से पहले वाला लेटर को हटा के ई लगा देंगे, तो दिमाग में क्या आएगा, BLEW ब्ली, उसके बाद लास्ट वाला ब्लॉन हो जाएगा, उस तरह ब्लो और एन हो जाएगा। अब सेकेंड लेटर देखें ब्रो, तो इसका भी उसी तरह बनाएंगे, GR और W से पहले वाला लेटर को हटा के क्या कर देंगे, ई लगा देंगे, ग्री हो गया और उसके बाद यहाँ पे ग्रॉन हो जाएगा, GROW, पूरा सेम लेटर लिख देंगे, लास्ट में एन लगा देंगे, ये लेटर हो गया। थर्ड वाला देखेंगे ड्रॉ, ड्रावा क्या होगा, ड्रिल ड्रॉ, तो ड्रावा जैसे ड्रा मीन्स क्या होता है, हिंदी इसका खींचना होता है, ड्रावा हिंदी खींचना होता है, और ब्रो का हिंदी क्या होता है, उपजना या उपजाना, ये होता है जब फसल उपजाते हैं ना, वो होता है इसका हिंदी ड्रा। तो ड्रावा क्या होगा, ये W से पहले वाले लेटर को हटा के ये कर देना है, DREW ड्री हो जाएगा और लास्ट में पूरा का पूरा ड्रा लिख के एन लिख देंगे, तो इसे क्या पड़ेगा, ड्रा। उसी तरह से नो, नो का भी उसी तरह बनेगा, W से पहले वाला लेटर को हटाकर ई लगा देंगे तो KNEW न्यू हो गया। अब उसके बाद लास्ट लेटर क्या होगा, नो, नो लिखेंगे और एन जोड़ देंगे, उसी तरह से बहुत आसान है। उसके बाद थ्रो, थ्रो का किस तरह बनाएंगे, थ्रो का अभी वीडियो का अंतर देखिए और इम्पोर्टेंट बात लास्ट में बताने वाला हूँ। थ्रो, थ्रो का पहले क्या है, ओ को हटा देंगे, क्या बनेगा, THRTW3। रोमेंस क्या होता है, फेंकना, रोमेंस क्या होता है, फेंकना, रो का हिंदी होता है फेंकना और नो का हिंदी होता है जानना, थ्रो मीन्स फेंकना होता है, थ्री हो गया और इसमें सेम टू सेम थ्रो लिख देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, एंड जोड़ देंगे तो थ्रोन हो जाएगा। उसी तरह विथड्रॉ, विथड्रॉ मतलब मनी निकालने को, पैसे निकालते हैं ना उसको विथड्रॉ करते हैं, पैसे निकालने को विथड्रॉ होते हैं, हो जाएगा। W से पहले वाले लेटर को हटा कर ई कर देंगे और इसको विथड्रॉ कर देंगे, VDRAWN विथड्रॉ, विथड्रॉ हो गया और लास्ट में एंड जोड़ते हैं विथड्रॉ। लेकिन ये हमेशा इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ये जो 6 वर्ड है, ये 7th वर्ड है, तो इसमें 6 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा रिपीटेड होता है, यही हमेशा यूज होता है इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन में। और कुछ वर्ड है, सारे वर्ड में नहीं लगेगा, सारे वर्ड जो होता है, बहुत सारे वर्ड है W से एंड होता है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड में नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा समझने की बात है। यहाँ पे देखिए किलू, किलू है, इसका V2 क्या करेंगे, पहले से डबल ही लगा देगा, फिर इस तरह से लगाएंगे, पहले से की लगा हुआ है, इस लेटर में ऐसा नहीं करेंगे, जैसे फिर की जाएगी, पहले से ना पिछले से गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ये फिर पहले से किस तरह फिर को है, इसका फिर को फ्लाई का क्या होता है, फ्लाई का फ्री होता है और उसके बाद क्या होता है, फ्लॉन होता है,
तो सेम टू सेम आ रहा है, इसमें भी एन जुड़ रहा है और सेकंड वी टू में क्या होता है, डब्ल्यू से पहले ई जा रहा है, लेकिन वी वन क्या है हमारा फ्लाय। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो वी टू पहले से ही है, वी टू जो है पहले से उसका वी वन कुछ और होता है और वी टू पहले से, तो वी टू वाले लेटर जो पहले से उसका कैसे वी टू फिर अलग से बनेगा। तो जैसे ये फ्लाय का था फिलिकोलन, अब यहाँ पे हम लोग फिली समझते हैं तो फिली को गलत कर देंगे, ये तो पहले से है ना। तो ये इम्पोर्टेंट लेटर थे जो W से एंड होते हैं, W लास्ट लेटर होता है, और V2 में क्या करते हैं W से पहले ही लगा देते हैं और V3 में N जोड़ देते हैं। इसके बाद मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि जो लेटर जो भर में Y से एंड होता है उसको कैसे बनाते हैं, उसका V2 V3 उसका भी बहुत आसान तरीका, लास्ट में आई ए डी लगा देते हैं या फिर डायरेक्ट आई डी लगा देते हैं, उसको भी बताने वाला हूँ। उसके बाद बताने वाला कि ऐसे कौन कौन से लेटर हैं जिसका वी वन वी टू वी थ्री सेम होता है। अब उसके बाद मैं ये भी बताने वाला कि अंतिम लेटर अगर ई रहेगा तो क्या करेंगे, तो अंतिम लेटर ई रहेगा तो डी लगा देंगे। ये इतने इतने कितने सिलेक्टेड वर्ड हैं, मैं कुछ सिलेक्टेड वर्ड लेके आऊँगा, कुछ सिलेक्टेड वर्ड जिसमें लास्ट में ई रहेगा और अंतिम में उसका डी लगा देंगे। सभी में ये केस फ्लो नहीं होता है, इसलिए मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है और जिसको याद रखना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि हमेशा सारे कुछ याद नहीं हो जाते हैं। जैसे इंग्लिश ग्रामर में ऐसे डब्ल्यू थे, ये सारे वर्ड आसानी से याद नहीं होते, बहुत जो आसान तरीका है उसे याद रखेंगे, कुछ भी उसका बार बार इसे याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। अगर किसी प्रकार के रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे अलग से वीडियो बहुत सारे बनाना जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, तो आप जाके देख सकते हैं।